शिवपुरी जिले के देहात थाना प्रभारी विकास यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवकों द्वारा कच्चे मांस की स्मगलिंग की जा रही है, जिसमें प्रत्यक्ष दृष्टया ये हिरण का मांस बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि माधव राष्ट्रीय उद्यान आवासीय कॉलोनी खिन्नी नाका पर दो युवकों को पुलिस द्वारा धर दबोचा गया है। इस घटनाक्रम की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर देहात थाना प्रभारी सहित अन्य थाना प्रभारी भी मौके पर आ गए। इस पूरे घटनाक्रम की जांच करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये दो व्यक्ति द्वारा ये मोटरसाइकिल पर एक कट्टे के अंदर कुछ मांस ले जा रहे थे, जो मांस पकड़ा गया है। अभी प्रथम दृष्टया ये मांस शुरुआत में वो बता रहे थे किसी वाइल्ड एनिमल या हिरन वगैरह का बता रहे थे, लेकिन उसको देखने पे ऐसा पाया गया कि ये कोई जंगली जानवर नहीं है, ये गौवंश हो सकता है। तो अभी प्रथम दृष्टया संदिग्ध होने पर इनमें मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये अभी इनसे पूछताछ का डिटेल में लिया जाएगा, आगे जो भी तथ्य आएंगे उन पर भी विवेचना की जाएगी और अन्य कोई भी इसमें शामिल होगा उसको भी हम इसमें आरोपी बनाकर गिरफ्तार करेंगे। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।